बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज तकरीबन दो साल बाद हम फिर उसी मुकाम पे मौजूद हैं जहां से क्यूजे मोटर स्टार्ट हुआ था। आई एम एट क्यूजे मोटर्स कराची और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अनीफ लाला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपका आना। सेम है जी, सेम है। आप बुलाते हैं, हम भाग के आते हैं वहां से। 1500 किलोमीटर दूर से हमें आना पड़ता है। बहरहाल, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी हियर। अच्छा अनीफ लाला, लाला के नाम से ही जाने जाते हैं, हम लाला ही कहेंगे इन्हें। तो लाला, मुझे ये बताएं, उस वक्त हमने इनॉग्रेशन की थी, ऑफ कोर्स, जब हम लास्ट टाइम आए थे, आज भी माहौल आपने कुछ इनॉग्रेशन वाला ही बनाया हुआ, क्या सीन चल रहा है आज? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त टीम बन गई है हमारा। अच्छा, क्यूजे मोटर का। अच्छा, आपके सामने देख रहे हैं, और कुछ नए मॉडल्स हमने उतारे हैं जो आप पिछले विजिट करके गए थे, उनके फेसलिफ्ट आए हैं, और अच्छा, कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे पाकिस्तान में हमने एक छोटा सा धमाका किया, लेकिन वो हो गया बड़ा। वो धमाका जो है सर, ये है, इसकी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप पहले देख चुके हैं, लेकिन वाकई वो धमाका हुआ। और अभी सब मोटरसाइकिल में से बाहर ये इसलिए खड़ा है कि काफ़ी सारे लोग इसकी टेस्ट राइड करना चाह रहे हैं और वो पावर देखना चाह रहे हैं जो क्लेम की गई है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 15 हॉर्स पावर है, बट एक्चुअली दिस इज 16 हॉर्स पावर। सो अभी तो टेस्ट राइड्स वगैरह चल रही हैं इसकी, लेकिन आज ही हम एक इवेंट भी है क्यूजे मोटर की तरफ से, जिसमें हम एज अ रैली जाएंगे, एक पुरमन किस्म की राइड होगी, और वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अच्छा लाला, इसकी थोड़ी सी तारीफ आप भी कर दें, मैंने बड़ी तारीफें की थी सर। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये क्यूजे मोटर ने स्पेशली डिज़ाइन किया था इटली के लिए। अच्छा, अब इटली में है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है 125 cc के लिए। ठीक है, ये वही वेरियंट हम लेके आए 2024 में, अपग्रेड किया है। 7500 RPM के ऊपर 16 BHP प्रोड्यूस करता है। अगर इसको आप लोक पे लेके जाएंगे तो 17.5 BHP प्रोड्यूस करता है। अच्छा, आपने हमारा 600 नेकेड मोटरसाइकिल देखा है, इनलाइन फोर वाला। इनलाइन फोर वाले में जितना भी सामान है, जो इसके शॉक से सेम वही है, जो मोनोशॉक है सेम, वो भी सेम है। TFT स्क्रीन है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है इसके अंदर वायरलेस, इसके अंदर दो किस्म के चार्जिंग पॉइंट दिए हुए है, वाटर कूल्ड है, 6-speed ट्रांसमिशन है, और ये फ्यूल इकोनॉमिक इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि ये 1 लीटर के ऊपर ये 50 किलोमीटर आराम से देता है। 50 किलोमीटर? जी, ये 50 किलोमीटर देता है। और ड्यूल चैनल ये भी इसके साथ है, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बॉश का है, लेज़र LED हेडलाइट्स है इसके अंदर, टर्न इंडिकेटर्स आपके देख ले इतने पावरफुल है, वो भी LED में है। सही, तो ये मुकम्मल एक धमाका बना के जी, ये 125 है, लेकिन ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। हमारे जितने भी यंगस्टर्स है जो स्टूडेंट लाइफ में है अभी, तो उनको एक ख्वाहिश होती है कि हम एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ले, तो 9 लाख रुपए में सर ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल अब पाकिस्तान में हाजिर है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था यार, नो डाउट द बाइक इज़ ग्रेट एंड ऑल, सब टेक इसकी अच्छी है, फीचर्स बहुत आउट क्लास है, लेकिन ये मार खाएगा प्राइस की वजह से। आपकी बात मैंने सुनी, आप कह रहे थे ये जितना कम हो सकता था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी तरफ से हम करना चाह रहे थे, हमने करके उसी कीमत में लॉन्च किया, तो बहुत डिवीजन है दोनों बयानों में, क्या सीन है ये? मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप हमारे 150 cc, आपने पहले वीडियो बनाया डबल 2T, बहुत प्यारा मोटरसाइकिल है, बहुत कामयाब गया, उसकी कीमत है 7 लाख रुपये। ठीक है, अब उसकी बदनिस्बत आप देखें 125, ये सिर्फ 200 की 9 लाख है, और 200 की 9 लाख है, ये कहने को 125 है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो छोटे इंजन से बड़ी पावर निकाली जा रही है। सही, अब पावर के हिसाब से और जो एसेसरीज इसके अंदर लगी गई है ना, तो ये इसकी कॉस्टिंग होती है। सही, ठीक है, फ्री में नहीं होता, और आपको पता है वो चाइनीज रेप्लिका टाइप की तो चीज़ है नहीं, तो इसकी कॉस्टिंग होती है, तो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक का प्रॉपर मज़ा आपको इस 125 cc के अंदर आएगा। अभी आपने जैसे ये टेस्ट राइड किया है, आप खाली सिग्नल पे खड़े हो जाए, आप किसी को खुद से भी बोलोगे ना 125, आपको 4 आदमी लोग पूछेंगे, इतनी आई कैचिंग बाइक है ये माशाल्लाह। एग्जैक्टली, ठीक है, और कोई आपको 200 cc वाला भी इसमें आपके साथ मजाक नहीं कर सकता। सही, ऐसे ही ये सीरियस बाइक है, 9 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कीमत 9 लाख क्यों है आखिर इसकी। जैसा हमने बताया, अभी हम अंदर जाके देखेंगे, अभी 200 cc मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल है वो, और वो भी सेम कीमत में मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर कुछ ऐसा है कि ये वर्थ द प्राइस है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहीं से शुरू करें लाला, या अंदर चलें? आपको ठीक लगे यहाँ से करते हैं, छोटा छोटा एक रिव्यू दे देता हूँ। 600 cc, 600 cc है इसका, आप रिव्यू बना के गए थे तो ऑनर आए, आप ऑनर का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है इस तरह के, हमारे पास बहुत सारे 600 है, सब ऑनर आएंगे तो आपको दिला देंगे। एग्जैक्टली, फिर हमारे पास जो है
वो 750 आ जाता है, सही, ठीक है। इसके बाद हमारे NX150 आ जाता है, इन सब के अभी आपको अंदर फेसलिफ्ट मॉडल मिलेगी। ये ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं। हाँ, अच्छा ये सब के आप ये दिखाने इसलिए जरूरी थे ना कि ये बिकते भी हैं। अक्सर लोगों ने मार्केट में मशहूर किया था कि क्या किया था आप खुद ही बताए। लोगों ने कॉम्पिटिशन में बातें होती है, ठीक है, बताइए तो हमें मजा आता है उससे। दे आर हेयर टू स्टे, चीजें बिक रही हैं और वो ऑनर अगर हैप्पी ना होते तो वो आज इस इवेंट पे कोई भी आपको नजर ना आता। लेकिन ये सब यूज्ड बाइक है, ऑलरेडी मालिकान इनके यहाँ पे मौजूद है, वक्तन फवक्तन गपशप भी करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। सो गाइस अब हम शोरूम के अंदर पहुंच चुके हैं। लाला सबसे पहले हम अपग्रेडेड मॉडल हमें सबसे पहले मैं आपको फेसलिफ्ट बताऊंगा 2024 के जो फेसलिफ्ट आए। Exactly. आपने इससे पहले NX150 का जो रिव्यू किया था जी जी उसी का फेसलिफ्ट ये आपके सामने हाजिर है। इसमें दो कलर्स हम पाकिस्तान में लॉन्च किया हमने, एक है रेड कलर, सही, ठीक है, और एक है नियॉन ग्रीन कलर जो मुझे बड़ा पसंद जी आपको बड़ा पसंद आए। इसके फेसलिफ्ट में मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में जैसे स्टिकर्स चेंज कर दिए जाते हैं ना, सही, इसमें भी सेम इसी तरह स्टिकर चेंज किए। अच्छा, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है कि सिर्फ स्टिकर चेंज नहीं किए, सही, इसका पेंट जो पूरा चेंज किया है, इसकी हेडलाइट चेंज की है, इसका मीटर फुली डिजिटल कर दिया है, सही, इसके अंदर CBM जो है ब्रेकिंग सिस्टम सेम आता है, सही, इसके आप फेयरिंग देखें, ये तो इन लोगों ने पूरा कलर चेंज किया, मैट फिनिश पीछे से दिया है और इसके अंदर मेमोरी फॉर्म जो है डाला गया है, ठीक है। तो आपको क्या जरूरत थी, दो साल के अंदर ही आपने जो काम 40 साल से यहाँ नहीं हो रहा आपने दो साल में किया। सर एज अ राइडर मुझे हमेशा शिकायत रही है कि पाकिस्तान में हमें लेटेस्ट चीज़ चलाने कभी भी नहीं मिलती, सही। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई है राइडर है हजरात वो लेटेस्ट चीज़ चलाए, इसलिए हम लेटेस्ट चीज़ उतारते हैं, ठीक है। तो क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट सर, ये 750 की, 750 के 750 की आपको मिल जाएगी कैश पे। अच्छा अब देखें यहाँ भी फ़र्क है, ये 150 अपडेटेड और फेसलिफ्ट वेरिएंट है, 1.5 लाख रुपए का है 125 से। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि वो क्यों 9 लाख का है। फिर ये हमने नई चीज़ लाए है, आपने इससे पहले SRK 350 का किया था, ये है SRK 400 और ये कॉपर कलर के अंदर हमने ये लॉन्च किया है, ब्लैक एंड वाइट कलर में लॉन्च किया है और ये ग्रे ब्लैक में लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, पहले से ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा बल्कीपन इसका ज़्यादा हो जाता है और ये 400 सीसी के साथ आते हैं। ये 1 लीटर में आपको आराम से 30-32 का माइलेज देती है, ठीक है। और Euro 5 है, सारे Euro 5 स्टैंडर्ड, सारे EFI हैं जी, सारे EFI और Euro 5 स्टैंडर्ड पे है। 1 ईयर वारंटी है, 12,000 किलोमीटर की वारंटी है। अगर आप हमारे एडवेंचर सीरीज पे आते हैं तो 50,000 किलोमीटर की वारंटी 2 ईयर के साथ आ ही जाते हैं। आज है सर। ये SRT 800 2024 मॉडल है, राइट? ये SRT 800X है, ये 2024 मॉडल है, लेकिन ये 2023 में भी आया था। अच्छा, इसका एक 2024 XX भी आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट शिपमेंट में आएगा तो वो भी आपको देखे, वो डायरेक्ट कम्पीट करता है BMW के साथ। अच्छा जी, वेरी नाइस। वैसे ये मशीनें भी कम नहीं है, हमने एग्जैक्टली ये 750 का लिया था, 800 का भी आपको आज दे देंगे। मुझे ये बताएं कि किस प्राइस ब्रैकेट में आ रही है अभी? सर ये 4 मिलियन में। अच्छा, फिर अब मिलियंस अगर आप उन्हें कन्वर्ट करें ना डॉलर्स में तो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही हैं बाइक्स। अब पैसे में कुछ भी नहीं है तो इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर है कि पैसा डिक्लाइन होता जा रहा है डे बाई डे। जिस दिन वापस आएगा अपनी डॉलर अपनी हैसियत में तो ये बाइक ऑटोमेटिकली सस्ते लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट भी उसके बराबर में SRT 600X है, इसमें भी सेम ब्रेम्बो के ब्रेक्स है और इसके अंदर वही ट्यूबलेस रिम है, स्पोक्स वाला ट्यूबलेस टायर है, GS 1200 की तरह जी, GS 1200 की तरह जो ऑप्शन मिलते हैं, लेजर LED लाइट्स है इसके अंदर, वेट बहुत ज़्यादा कम किया गया है और इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको बैठ के राइड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना बड़े वजूद है बाइक का, वो आपको लग ही नहीं रहा, फील ही नहीं होगा। वैसे इसका वेट क्या है सर? इसका वेट ड्राइव वेट है 212 और पैसों का क्या वेट है, कितने में मिल रहा है सर? इसका हाई स्पेक्स लो स्पेक्स आती है, ये जो आप देख रहे हैं ये हाई स्पेक्स है, ये 3.2 मिलियन की, 3.2 मिलियन, ठीक है। अब लाला अगर मुझसे पूछेंगे तो नहीं वैसे, लेकिन अगर पूछ लें गलती से कि आप कौन सा इन दोनों में से मोटरसाइकिल प्रेफर करोगे तो मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं करूँगा, इनके साथ एक खड़ा हुआ मेरा फेवरेट उसको मैं इंशाल्लाह चूज़ करूँगा। जी बताइएगा इस बाइक के बारे में। सर ये 2021 में हम लाए थे सबसे पहले पाकिस्तान में, ये SRT 500X है, इसके अंदर भी सारा जो है ब्रेम्बो ब्रेक्स, बॉश का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, TFT स्क्रीन, मोबाइल की कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जर, क्रैश गार्ड, हैंड गार्ड्स, विंडशील्ड, हर चीज़ प्रॉपर पैकेज, 3 प्रीमियर बॉक्स के साथ, डबल सेफ्टी लॉक, इनर लाइनिंग वगैरह, हर चीज़ हम कंप्लीट पैकेज ये दे रहे थे। ये तकरीबन 2850 का आ जाता है, न्यू यूज़ में कम का मिल जाता है।
अक्सर लोग एक्सचेंज में आते हैं तो यूज़ में अपना बाइक देके फिर वो 800 की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। सही, तो लाला ने मुझसे पूछा नहीं है, ना ही पूछेंगे कि 500 क्यों। 500 इसलिए कि ये मैनेजेबल पावर है, ठीक है, जिस अगर वो जाते हैं ये भी आराम से चला जाता है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही मसला मसाइल तो कुछ नहीं, 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 बिल्कुल। 500 इट मीन्स अ लॉट, तो मेरे लिए इट्स मोर देन इनफ। सो अगर आप जाहिर है जैसे ये चलाएंगे कुछ अर्सा यूज हुआ जाएंगे फिर ये पावर लगेगी नहीं आपको, फिर आप 600-800 की तरफ जाना चाहेंगे। 48 BHP का प्रोड्यूस करता है इसका इंजन, तो और व्हाट एल्स यू आस्क फॉर। और ये 600 जो है ये 62 BHP प्रोड्यूस करता है, और 800 जो है वो 92 BHP प्रोड्यूस करता है, और जो 750 का पहले वाला आपने देखा था वो 78 BHP प्रोड्यूस करता था। 78 BHP, इसी का एक लो स्पेक्स वाला आया है जिस भाई के हजरत की हमने इसको कोशिश की है कि हाइट जिसकी 5.5 है या 5.7 है तो उसको एडवेंचर बाइक चलाने के लिए बहुत मुश्किल आती है, तो इसलिए हमने ये लो हाइट वाला भी मंगाया है, ये 600 है, 3600। सही सही सही, तो इसकी क्या प्राइस बनेगी? इसकी 2850। 2850 ये तो हुसैन लखानी जी जी जी, हमारे हुसैन लखानी व्लॉगर है उनका भाई है। सही, आगे आते हैं जी, एक और मज़े की चीज़, ये क्या चीज़ है यार, इसे देखो तो आप तबीयत खुश हो जाती है आपकी, SRV 500। जी बताइएगा इसके बारे में। ये SRV 500 है, हमारा क्रूजर मोटरसाइकिल है, वो बहुत ही कामयाब और प्यारा मोटरसाइकिल है। ये 554 cc का मोटरसाइकिल है और तकरीबन ये 58 हॉर्स पावर जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन बैठ के भी बहुत अच्छा साथी है ना। पैरल ट्विन इंजन है, वाटर कूल्ड है, सारे फीचर्स है, ड्यूल चैनल ABS है, कंप्लीट बॉश का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और ये 1 लीटर में 28 किलोमीटर चलती है। इतनी बड़ी बला के लिए 1 लीटर में 28 किलोमीटर, एंड दैट टू इज एन EFI। कैमरे में इसका वजूद छोटा आ रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है आपके सामने फिजिकली। नहीं नहीं, ये बहुत, इसकी लेंथ आप देखें तो बहुत बड़ा मोटरसाइकिल है ये। दिस इज माय कप ऑफ टी ऑफ अ मोटरसाइकिल। अब हम आते हैं एक और खूबसूरत मोटरसाइकिल की जानिब, जो अभी हमने ब्रेक नहीं, मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिलेगी मुफसल वीडियो जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत 600 cc मोटरसाइकिल खड़ा है, SRK 600। जी ऑलरेडी इनके पास जब लॉन्च हुआ था QJ मोटर तो एक मोटरसाइकिल 600 cc में था, लेकिन इसमें क्या खास बात है, फेसलिफ्ट वेरिएंट है जी लाला। इसके अंदर कार्बन फाइबर के जो है काफ़ी पार्ट्स डाले गए हैं, ठीक है। इसकी इंजन पावर जो है बढ़ाई गई है, 92.5 BHP प्रोड्यूस करता है इसका इंजन। प्रीवियस क्या कर रहा है? प्रीवियस जो है वो तकरीबन 78 BHP प्रोड्यूस करता है। दैट्स अ ह्यूज जंप। हाँ ओके, और पैरेलली के इसके अंदर टायर्स आ रहे हैं, इनलाइन फोर है। इनलाइन फोर आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ हम वाइड है, जो 0 मीटर बॉक्स पैक हम CB यूनिट लाते हैं वो भी लेटेस्ट मॉडल में जो 2024 का है। सही, तो इसकी क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर इसमें जो हाई स्पेक्स है वो 32 की है, 3.2 मिलियन का है, और जो लो स्पेक्स है वो आपको मिल जाएगा 2850 का। 2850 का, और ये कौन सा वेरिएंट है? ये लो वेरिएंट है। और अच्छा, इसमें इमोबिलाइजर के ऑप्शन के साथ आता है ना, अभी मैं चाबी ढूंढ रहा था, इसमें इग्निशन वाला सिस्टम नहीं है। रिमोट से बटन दबाओ तो बाइक आपका यहाँ से अपने सेल्फ स्टार्टर दबाना है और ये स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस लेट्स फायर इट अप और सुनते हैं ये इनलाइन 4 सिलेंडर 600 cc हाउ डज इट एक्चुअली साउंड। सो गाइस अभी मैं लाला से यही पूछ रहा था कि दूसरा जो यहाँ पे बाइक है जो थोड़ी देर में आप देखेंगे उसकी साउंड तो छत फाड़ साउंड है, यहाँ पे बहुत ऊंची, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी बहुत आउटस्टैंडिंग आपको साउंड दे रहा था। और दूसरी मज़े की बात ये, फुल रेव करने पर ऐसे लगता है कि रेव लिमिटर इसमें लगा हुआ है, ठीक है, वो 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 वाली जो साउंड है बहुत आउट क्लास मज़े की आती है। अच्छा लाला एक और रेड बीस्ट हमारे पास खड़ा है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। जी ये आपने जो लास्ट रिव्यू करा था उसी का फेस लिफ्ट है, अगर आप इसकी थोड़ी जो है सर्चिंग वगैरह करेंगे, इस पर लेसन करेंगे तो आपको मिलेगा माशाल्लाह से। 2024 में मोटो GP में 3rd पोजीशन ली है इस बाइक ने। जी आपने मुझे क्लिप भी भेजा था, जी जो क्लिप मैंने आपको भेजा था वही बाइक है। वो ऑनलाइन सब देख सकते हैं कि QJ मोटर इज एक्चुअली नॉट कमिंग स्लो, मुकाबले जीत रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में इनकी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज बन रही हैं और धड़ाधड़ सेल हो रहे हैं इन पाकिस्तान। जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ आएगी या बिकेगी,
इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ एज वेल. सो इसकी क्या प्राइस है? ये 36 मिलियन का है, क्योंकि 2024 मॉडल. इसमें क्या इजाफी चीज़ें क्या है? इसके अंदर कार्बन फाइबर विंग्स आ गए, ठीक है. इसका जो है मीटर जो है एलईडी मीटर जी जी, वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है. उसके अंदर काफ़ी फीचर्स है, मतलब आप इसमें टेम्परेचर देख सकते हैं, ठीक है. फिर आप इसके अंदर जो है आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देख सकते हैं. अच्छा, ऑल ओवर इसके अंदर सारे फीचर्स, फुली लोडेड बाइक, फुली लोडेड है. कॉर्नरिंग एबीएस में है इसके अंदर. अच्छा, काफ़ी एडवांस एबीएस इसके अंदर डाला गया है. और ये सारा ब्रेम्बो है, और केवाईबी के शौक से, मुजार्सी के शौक से, पेडली के जो इसके अंदर टायर्स है, कंप्लीट बॉश का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और ड्यूल चैनल एबीएस. तो मतलब ये जितने भी लोडेड जो फीचर्स अब तक आए हुए हैं ना मोटरसाइकिल में, वो सब आपको इसमें मिलेंगे. बेहतर और चीज़ ये है कि ये बहुत लाइट वेट है. वेरी नाइस. आप इस पर बैठ के देखें, आपको लगेगा नहीं कि आप किसी सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे. exactly. और लॉन्ग व्हील होने की वजह से इसकी रोड ग्रिप भी बहुत ज़्यादा है. व्हील बेस भी व्हील बेस जो है, व्हील बेस जो कर रहा था कि काफ़ी बड़ी इसकी व्हील बेस, ऐसा कि आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड स्विंग आर्म जैसे होता है. यूँ लग रहा है कि ये एक्सटेंडेड स्विंग आर्म है, बट ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट बाय कंपनी है ये. सो 36 लाख रुपए इसकी प्राइस है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सिर्फ वो क्या कहते हैं 20 लाख 30 लाख वाली बातें नहीं हो रही, कम बजट की भी बाइक्स अवेलेबल हैं. अक्सर लोग कहते हैं हमारे लिए क्या, ज़्यादातर लोग, तो आपके लिए ये आइए लाला, ये भी बताइएगा कौन कौन से बाइक्स हैं हमारे पास यहाँ पे. सर ये आपने लास्ट NTX 200 का इसका रिव्यू किया था, अब इसके अंदर जो चेंजेस आई है फेस लिफ्ट के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं. पेंट जॉब तो इसका पहले भी बहुत ही कमाल था. मीटर इसके अंदर चेंज कर दिए गए, एडवांस डाल दिया गया. हार्ले डेविडसन वाली ही इसके अंदर असेंबली है, क्योंकि आपको पता होगा क्यूजे मोटर हार्ले डेविडसन को भी बाइक्स बना के देता है. सही. अच्छा, इसके अंदर जो कस्टमर शिकायत कर रहे थे, क्योंकि छोटे बाइक जो चलाते हैं ना, उनको किक का जो है बड़ा मसला रहता है कि किक स्टार्ट होनी चाहिए, तो किक स्टार्ट आपको मिल जाएगा, किक मिल जाएगी आपको इसके अंदर. क्लच बॉक्स इसके अंदर पूरा चेंज कर दिया गया, ठीक है. बाकी एज इट इज सेम. और प्राइस ही सेम ही है या बड़ी है? नहीं सर, डॉलर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है. क्या प्राइस? जैसे बारिश ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पानी आता है, पानी ज़्यादा आता है तो प्राइस बढ़ जाती है. अब क्या प्राइस है सर? ये 9 लाख रुपए की सर. 9 लाख यानी कि 1 to 5 के बराबर की प्राइस है. 1 to 5 के बराबर की प्राइस है. अच्छा, अब अगेन आप अगर मुझसे पूछेंगे, लाला ने पूछना नहीं है, पहले भी नहीं पूछा, मैं खुद ही अपने आप से सवाल और खुद ही जवाब दे रहा हूँ. 1 to 5 का ये लाला, आप कौन सा लेंगे दोनों में? 1 to 5 ज़्यादा बेहतर. मैं ये अगर क्रूज़र किसी को पसंद है तो फिर वो ये. इनकी नौजवान रूह है, मेरी बूढ़ी रूह है, तो मैं आई वुड गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. इजी, काम, रिलैक्स मोटरसाइकिल, कहीं पे भी ले जाओ, वो सीन है. साथ हमारे यहाँ पे 200 के खड़ा है 150, इसके बारे में बताइएगा लाला. इसका भी आपने रिव्यू किया था, इसके अंदर क्लच बॉक्स जो है पूरा चेंज कर दिया गया है, सेम 200 की तरह आप देख सकते हैं. और कस्टमर्स की शिकायत थी किक नहीं है, तो किक भी हमने डलवा ली, ठीक है. अब मसला तो कंपनी काफ़ी सपोर्टेड है. फिर इसका ये क्रूज़र है, तो क्रूज़र लुक के लिए आप देखिए, पूरा पीछे सिस्टम डाला है, जो बड़े वाले फुट पैड्स जो है वो डाले गए हैं, पीछे कैरियर बड़ा वाला डाला गया है, ताकि आप बड़ा लगेज बॉक्स लगा के भी इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें. और इसके अंदर हमने 2024 में लाल कलर भी इंट्रोड्यूस करा है. वेरी गुड. और इसकी क्या प्राइस है? ये 7 लाख रुपये. अच्छा, ये मेरे ख्याल सबसे कम कीमत मोटरसाइकिल जी. और ये सारी एक्सेसरीज कंप्लीट 7 है, किसी के भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जा रहे. सही, गुड हो गया. सेफ गार्ड वगैरह हर चीज़ आपको 7 मिलेगी. अब जाने से पहले यकीनन जो जहन में आपके सवाल आ रहा होगा वो यही होगा कि यार ये तो आ गया सब कुछ, स्पेयर पार्ट्स का क्या सीन है? सर सभी स्पेयर पार्ट्स मौजूद है, मेंटेनेंस के जितने भी, वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, ठीक है. कोई हेडलाइट है, टैंक है, ये सब हमारे पास एक आध पीस होते हैं, अगर कभी हमारे पास शॉर्ट हो जाए तो हम वो मंगवा के फौरन दे देते हैं, ठीक है. जैसे कोई बड़ा आइटम है ना, बड़ा पार्ट है, तो वो शायद शॉर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मसला नहीं है, 2 वीक्स में आ जाता है. ठीक हो गया, विद इन 2 वीक्स आप लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाएगी. और कोई अगर कहता है यार आई एम फेड अप विद दीस बाइक्स, आई एम गोइंग अब्रॉड, मैंने बाइक बेचना है जी, तो बाई बैक भी करते हैं हम, बाई बैक भी एक्सचेंज, हमारे पास पॉलिसी पहले से है, एक्सचेंज भी है और अपडेट करना हो, हाँ जी जी, वो सब कुछ चीज़ से अभी सब चीज़ अवेलेबल. अगर आपने सेम मॉडल में न्यू ईयर में शिफ्ट होना है वो भी हो जाएगा, अपडेट करना है या अपग्रेड करना है वो भी पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर मोटरसाइकिल कि किस कंडीशन में, उस हिसाब से उसकी कीमत लगेगी, तो वो सेल आउट भी हो जाता है. अच्छा लाला, कोई और आप ऑफर कर रहे थे, वो क्या सीन है? ये एडिनोल आपने देखा है, जर्मनी कंपनी है, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही ज़ोर शोर से जो है इसका ऑयल मशहूर होता जा रहा है. सही. इसके हम ऑफिशियली सेल्स पार्टनर है,
ठीक है, ये हमने एनिवर्सरी के लिए एक हमने डिस्काउंट ऑफर रखी है। आप एडिनोल का कोई भी ल्यूब ले ले, चाहे वो चेन स्प्रे हो, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, ये फ्लैट 10% ऑफ चल रहा है। ठीक है, और हेलमेट है, सेफ्टी गेयर्स है, टोटली जितना भी आइटम है वन मंथ के लिए मई 2024 के लिए ये 10% फ्लैट ऑफ है। 10% फ्लैट ऑफ, ये पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी ऑफर नहीं मिलेगी। आप यहाँ से आके शोरूम से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप बाहर कहीं से ऑर्डर देंगे तो आपको बाहर भी भिजवा देंगे। अच्छा, अगर बाइक लेते हैं तो बाइक के साथ भी कोई ऑफर दे रहे थे? बाइक के साथ हमने ये मई के महीने में ऑफर रखी है, तो ये कोई भी आप बाइक ले, कोई भी वेरिएंट, हमारे पास 13 मॉडल्स है, अलग अलग वेरिएंट्स है, उसमें से आपको कोई भी आपने एक बाइक लिया, बुकिंग करवाई, तो आपको टोटल हेड टू टो आपको सेफ्टी गेयर्स टोटली फ्री मिलेगा और सब ब्रांडेड होगा। ब्रांडेड होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेफ्टी गेयर होगा, ब्रांडेड होगा। लाला, थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने हमेशा साथ ही रहना है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह विल बी ऑलवेज बी देयर फॉर यू। और आज इनकी राइड भी है जो आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये लाला का इंटरव्यू यहाँ पे एंड होता है। सो गाइस, जिन्होंने एडिनॉल को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थोड़ी सी हमें ब्रीफिंग दीजिएगा एडिनॉल के बारे में। एडिनॉल 1936 से जर्मनी के शहर ल्यूना में काम कर रहा है। ठीक है, एडिनॉल का एक ही प्लांट है पूरी दुनिया के अंदर, जिससे पूरी दुनिया के 120 ममालिक को ऑयल प्रोवाइड करता है। फ्रॉम जर्मनी ब्लेंड पैक्स ऑफ जर्मनी, कहीं ब्लेंडिंग की परमिशन नहीं देता। रीज़न ये होता है कि एक ही किस्म का ऑयल, एक ही क्वालिटी का ऑयल पूरी दुनिया में एक ही जगह जाए। सही। और एडिनॉल की बाइक के अंदर जितनी भी सीरियल है 1040, 1050, 2050 सब सिंथेटिक। सही। और बाइक के अंदर इतनी बड़ी रेंज जो एडिनॉल दे रहा है वो कहीं भी किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर दस्तयाब नहीं है। ठीक है, एडिनॉल की खासियत एक 1060 जो स्पेशली डिज़ाइन फॉर रेसिंग पर्पज़ है। ठीक है, रेसिंग बाइक्स या रेसिंग कार्स, रेसिंग पर्पज के लिए डिज़ाइन किया गया। हाई परफॉर्मेंस इंजन, हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक्स है और हाई थ्रोटल पे जो आपको 250-300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कंटिन्यू जा रहे हैं, ऑयल आपका ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, ऑयल में एडिटिव का रेशियो 25% है। अच्छा, और एडिनॉल जर्मनी को हम पाकिस्तान में 2015 से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और इस पर काम भी हम खुद कर रहे हैं। वेरी नाइस। अभी प्रोडक्ट्स कितनी आपकी? एक तो हो गया हमारे पास इंजन ऑयल हो गया, आपके पास आपके लिए बाइक के लिए, कार्स के लिए इंजन ऑयल है। ठीक है, आपकी बाइक के लिए और उसका गाड़ी के लिए जो गियर ऑयल्स हैं, ठीक है, कार के एडिटिव्स हैं, कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है। 64 जो वैराइटीज़ हैं वो हमारी इन्वेंट्री में पाकिस्तान में शामिल है, जो हम यहाँ ऑटोमेटिक मार्केट में हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 64। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह मैं लिंक में इनका लगा दूंगा, आप डेफिनेटली गो ओवर देयर, इनकी वेबसाइट पे जाइए। मज़ीद इंफॉर्मेशन कोई आपको मुफसल अगर चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अजहर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकअल्लाह। चलिए बढ़ते हैं, आप ज़रा टेस्ट राइड भी इंजॉय करते हैं। टेस्ट राइड तो नहीं है, ये एक रैली है, एक डिनर लाला कर रहे हैं, तो हम डिनर खाने चलते हैं, साथ साथ हम आपको रास्ते की और बाइक्स की वीडियोस वगैरह भी दिखाते चलते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब टेस्ट राइड तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी देर से हम लोग खड़े हैं और पीछे रश आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता हमें लीड कौन करेगा, मैं इस बाइक के पीछे पीछे रहूँगा, SRT 800 के। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا لربنا لمنقلبون। سفر شروع ہو گیا ہمارا اللہ کے نام سے। पता ही होगा अभी हम कहाँ जा रहे हैं, एक राइड है और राइड के बाद वहाँ पे डिनर है हमारा इन सारे राइडर्स का। तो इंशाल्लाह होपफुली वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन देयर।
अभी आप क्या करने वाले हैं? एक रसम, हलाल रसम हम करने वाले हैं। हलाल हलाल रसम, चले हलाल रसम कर लेंगे, चादर खींच लेंगे। और बड़ी जबरदस्त चीज निकल के आने वाली है अंडर द चादर, तो चलिए देखते हैं क्या चीज है और जिसकी निकाह खुशाई होने वाली है। अभी अगर आप मजमा देखें माशाल्लाह सही तरह, चलिए चलते हैं इंशाल्लाह करते हैं। वो क्या हिंदू वाली रस्म, मुसलमानों वाले इनलाइन फोर है, आप नीचे बैठ के देख सकते हैं। एक दो तीन चार, वाओ फोर सिलेंडर। उमान भाई हमारे जिन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी है भाई का कम्युनिटी के लिए। तो हाजरीन नाजरीन, ये हमारी बाइकर कम्युनिटी के सबसे बड़े बुजुर्ग है। टायर के ऊपर जो है ना, जैसे ही वो स्क्रीच मारता है तो अकबर भाई लिखा हुआ आता है भाई। तो ये हस्ती है भाई बाइकर कम्युनिटी के लिए, इनको सलाम पेश है। और पार्टनरशिप है हमारी एडिनॉल ऑयल के साथ। अजहर भाई हमारे इस वक्त शिरकत नहीं है, लेकिन इनकी टीम है। आप लोग हमारे पाकिस्तान के जाने माने जो है व्लॉगर ख्वाजा उमर, मोटो व्लॉगर भी है, और बहुत सारे इनके चैनल है माशाल्लाह। हम इनको बहुत सारी जो है कामयाबी की दुआएं देते हैं कि इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारा साथ निभाने के लिए इनका बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मुझे मोटर।